नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आरती। आज हम आपको माधुरी दीक्षित से जुड़ी खास बात बताने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। माधुरी दीक्षित अपना 54वां जन्मदिन मना रही हैं। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की उन अदाकाराओं में से एक हैं जिनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। माधुरी दीक्षित की खूबसूरत स्माइल के तो लाखों दीवाने हैं। माधुरी दीक्षित के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पड़ोसी मूल पाकिस्तान के लोग भी बॉलीवुड की इस धक धक गर्ल पर जान छिड़कते हैं। माधुरी दीक्षित की लोकप्रियता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ज़माने में पाकिस्तान बॉलीवुड की इस हसीना के लिए कश्मीर छोड़ने के लिए राजी हो गया है। माधुरी दीक्षित के जन्मदिन के मौके पर हम आपको यह पुराना किस्सा सुनाने जा रहे हैं। यह घटना भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की है। उन दिनों भारतीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक लगातार हमला कर रहे थे। भारतीय सेना डटकर पाकिस्तान के सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। आखिर में यह जंग भारत ने जीत ली। युद्ध जीतने के बाद एक किस्सा सुनने को मिला। बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के हेड ने इस बात का खुलासा किया कि जंग के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने माधुरी दीक्षित का जिक्र किया था। पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से यह आवाज़ आई कि अगर भारत पाकिस्तान को माधुरी दीक्षित सौंप देता है तो वो कश्मीर मांगना छोड़ देंगे। यह बात सुनकर भारतीय सैनिक काफ़ी गुस्से में आ गए। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के उन सैनिकों पर हमला करके भगा दिया। पाकिस्तानी सैनिकों के इस बयान से एक बात तो जाहिर है कि माधुरी दीक्षित ने पड़ोसी देश के लोगों पर भी अपना जादू चलाया है। तभी तो पाकिस्तानी सैनिक भी माधुरी दीक्षित के हुस्न पर फिदा हैं। अब माधुरी दीक्षित हैं ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उन पर अपनी जान लुटा दे। गौरतलब है कि माधुरी दीक्षित इन दिनों टीवी के रियलिटी शो डांस दीवाने 3 में नज़र आ रही हैं। बीते कुछ समय से माधुरी दीक्षित डांस दीवाने 3 से गायब थी। इस हफ्ते ही माधुरी दीक्षित ने इस डांसिंग रियलिटी शो में वापसी की है। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।